लास्ट में हमने 1-4 रिलेशन देखा था एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखा था। नाउ अब हम देखते हैं उसके बाद वाला, यानी कि न्यू फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो का। ओके, तो ऑपरेटिंग रेशियो के सम यहाँ पे कुछ दिया है, देखते हैं क्या है। तो उसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। सो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ओके, सो सम देखते हैं। नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ ई कंपनी। सो ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है, इसमें हमको कौन सी चीज़ें दी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS जो हमको चाहिए वो दिया है। सेकंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो भी हमको चाहिए वो भी दिया है। थर्ड फाइनेंशियल एक्सपेंस, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी दिया है। एंड सेल्स भी चाहिए। तो ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे दिया है, तो हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करेंगे। नंबर 5, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। क्लियर? सो नाउ यहाँ पे COGS है 4,80,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000, डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स यहाँ पे दिया है 8 लैक्स इनटू 100। सो ये दोनों का टोटल हो रहा है 6 लैक्स, 6 लैक्स डिवाइड बाय 8 लैक्स इनटू 100। सो इज इक्वल टू 75%। यहाँ पे इनटू 100 है, यहाँ पे इनटू 100 है, इसीलिए पीछे परसेंटेज लिखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6 उसके बाद वाला देखते हैं, उसमें भी ऑपरेटिंग रेशियो ही फाइंड करना है, बट क्या डिटेल्स दी है वो देखते हैं। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ के एंड कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ 2 ईयर्स। सो यहाँ पे डिटेल्स दी है वो 2 ईयर्स की है, 2016 एंड 2017 की। तो हमको दोनों ईयर का ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम 2016 का फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2016। अब देखिए ये ऊपर फॉर्मूला तो मैंने लिखा ही है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ पे क्या दिया है वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले सेल्स दिया है वो हमको ज़रूरी है, चलिए फिर COGS भी दिया है। चलिए दो चीज़ें मिल गई, अब लास्ट एक ही बाकी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल एक्सपेंस, इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंस, ऐसा कुछ दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड करना पड़ेगा। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू, मैंने इसके जब फॉर्मूला लिखवाए थे तब उसमें लिखा था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑफिस एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको हम टोटल लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेल्स एक्सपेंस भी है, तो सेल्स एक्सपेंस एंड प्लस डेप्रिसिएशन भी है, तो डेप्रिसिएशन। चलिए अमाउंट पुटअप करते हैं, 1,250,000 and 1 lakhs, 1 lakh, 2,50,000 प्लस 1 lakh, सो टोटल अमाउंट इज 4,50,000। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल गया, अब हम ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आराम से कर सकते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें दी हुई है। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सो COGS है 7,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 4,50,000 डिवाइड बाय नेट सेल दिया है 15 लैक्स इनटू 100। 750 प्लस 450
12 लैक्स डिवाइड बाय 15 लैक्स इनटू 100, सो आंसर इज 80%। ओके, सो ये जो हमने कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन है 2016 का। अब हम कैलकुलेशन करेंगे 2017 का, सेम प्रोसीजर रहेगा, नो चेंजेस, इसके जैसे ही। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही फाइंड करना पड़ेगा, उसमें यही एक्सपेंस है, एड एक्सपेंस प्लस सेल्स एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन, सिर्फ अमाउंट ही चेंज है, 153,000, 1,50,000, 3 lakhs and 1 lakhs, 4,50,000. This is the operating expense. Now, operating ratio is equal to COGS plus operating expense divided by net sales into 100. So, COGS 9 lakhs plus operating expense upar mila 5,50,000 divided by net sale at 20 lakhs into 100. So, ye iska total aayega 14,50,000 divided by 20 lakhs into 100. 14,50,000 divided by 20 lakhs into 100. So, answer is a 72.5%. ये दोनों को अगर हम मैच करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ऑपरेटिंग रेशियो 80% था 2016 में और 2017 में 72.5% हो गया, यानी कि डिक्रीज हुआ है। ओके, सो नाउ और एक सम देखते हैं, कुछ ज़्यादा पता चले। नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एस लिमिटेड कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। इसमें भी ऑपरेटिंग रेशियो ही फाइंड करना है, क्या दिया है। सो हियर नेट सेल जो हमको चाहिए 28 lakhs, COGS वो भी हमको चाहिए 18 lakhs, सैलरी 120, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1,80,000, सेल्स एक्सपेंस 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,25,000, लॉस ड्यू टू फायर 25,000, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 1,80,000। तो इतनी चीज़ें दी है। सो क्वेश्चन पढ़ने से हमको ये पता चल गया कि फार्मूला के हिसाब से हमको COGS चाहिए वो दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए वो दिया नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड करना पड़ेगा इसमें भी। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जगह, तो सबसे पहले सैलरी दी है क्योंकि सैलरी इज ए वन टाइप ऑफ ऑफिस एक्सपेंस, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी बोल सकते हो। सैलरी प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी दिया है प्लस सेल्स एक्सपेंस भी दिया है यहाँ पे, ये तीन चीज़ें दी है यहाँ पे, और कुछ है नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन तो वो नहीं आता है, लॉस ड्यू टू फायर वो भी हम इसमें कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, और इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट उसको भी कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। तो ये तीनों का टोटल लगाते हैं 120, 180 एंड 150, 120, 180, 150, सो टोटल 4,50,000। नाउ ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सो यहाँ पे COGS दिया था 18 lakhs, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिला 4,50,000, डिवाइड बाय नेट सेल है 28 lakhs इनटू 100, ये दोनों का टोटल करेंगे तो 22,50,000 डिवाइड बाय 28 lakhs इनटू 100, 22,50,000 डिवाइड बाय 28 lakhs
सो आंसर इज 80.36%। चलिए देखते हैं उसके बाद नंबर एट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एच लिमिटेड कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है, तो चलिए तो ये नया आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने का भी फॉर्मूला है सेल्स सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सर ऑपरेटिंग कॉस्ट ये भी नया आया, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके तो सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने बता दिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने रेशियो फाइंड करने के लिए। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। सो नंबर 8 में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एच लिमिटेड कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे सेल्स दिया है 750,000, COGS दिया है 3 लाख एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 150,000। तो सबसे पहले हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो COGS इज इक्वल टू 3 लाख एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस 150,000। सो टोटल अमाउंट 450,000, इट्स अ ऑपरेटिंग कॉस्ट। नाउ वी फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो सेल्स अमाउंट इज 750,000 माइनस 450,000, 750 माइनस 450, सो 3 लाख, इट्स अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मिल गया। सो अब फाइंड करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सो 3 लाख डिवाइड बाय नेट सेल है 750,000 इनटू 100। 3 लाख में एक जीरो ज़्यादा लिख दिया, या 3 लाख डिवाइड बाय 750,000 इनटू 100 इज इक्वल टू 40%। ओके एक ये मेथड है, इसकी दूसरी भी मेथड है। दूसरी मेथड का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करके 100 में से क्या कर सकते हैं हम माइनस, तो चलिए वो कैसे होगा देखते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों का टोटल हमको दिया ही था 450,000, डिवाइड बाय सेल है 750,000 इनटू 100। सो आंसर इज 60%। ओके अब देखो यहाँ पे बोला है 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, तो वो मिला 60%। 100 में से 60% माइनस करेंगे तो क्या आया 40% हो गया दोनों सेम। सो दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज़ करें आंसर तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा। इज दैट क्लियर, तो चलिए इतना लिख लीजिए, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।